खिलाफ मुरादाबाद में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने पर प्रसिद्ध उर्दू शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 1,04,00,000 का नोटिस भेजा है। जिला प्रशासन के मुताबिक इस प्रदर्शन पर प्रतिदिन सरकार के लगभग 13,42,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसकी वसूली की जाएगी। मुरादाबाद में प्रशासन की तरफ से इस तरह के नोटिस प्रदर्शनकारियों को भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद की ईदगाह में 29 जनवरी से CAA के खिलाफ महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं, जहां जमा होने वाली भीड़ से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, जिसकी वजह से मौके पर जो फोर्स तैनात की गई उसका खर्च लगभग 13,42,500 रुपए हर रोज राज के कोष पर पड़ रहा है। अब तक 1,04,08,693 रुपए सरकार के खर्च हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खर्च की भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिनसे भी अशांति की आशंका है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लगभग 114 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होने पर उनके खिलाफ जो भी उनके द्वारा बॉन्ड भरा गया है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो नोटिस जारी हुआ वो 6 तारीख को ही उनके खिलाफ हो गया, 1,04,00,000 रुपये का नोटिस जारी हुआ, ये क्या मामला है? ये निरोधात्मक कार्रवाई होती है जिनसे भी आशंका होती है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से अगर कोई भी अशांति हो सकती है तो उन्हें एडवांस में नोटिस दिया जाता है कि अगर आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है या अशांति फैलती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने का हर रोज जो है खर्चा आ रहा है इस प्रोटेस्ट के सुरक्षा व्यवस्था? ये इसमें लगातार इस सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 से 400 पुलिसकर्मी इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। मतलब 13,00,000 से ऊपर का जो आपने जो नोटिस में इसमें जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो उनका रेगुलर ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए, वो सुरक्षा दृष्टि कर मेंटेन करने के लिए और पीसफुल तरीके से रहे शहर, इसमें जितने भी सुरक्षा लगानी चाहिए वो पूर्ण रूप से लगाई जा रही है। अगर कोई माहौल बिगड़ता है या हालात खराब होते हैं तो क्या ये वसूली की जाएगी? अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अनलॉफुल कार्य किया जाता है जिससे अशांति फैलती है तो उनके जिन जिन को भी नोटिस दिया गया है उनके द्वारा जितना भी भरा गया बॉन्ड है उनका जब्तीकरण किया जाएगा। तो भाई ये बताइए जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसके खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको लगातार नोटिस आ रहे हैं और उनसे जुर्माना कबूलने की बात कह रहा है जिला प्रशासन, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सब फंसेंगे जितने भी प्रशासन के लोग हैं, एक नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो जो भी अपनी जगह में लोग कर रहे हैं उन्हें कोई परेशान ना किया जाए, वो बिल्कुल कानून के दायरे में कर रहे हैं। अब यहाँ अगर प्रशासन कर रहा है तो फंसेगा। हमने शुरू में ही कह दी थी ये बात कि अगर हमें परेशान करने की कोशिश करी तो हम भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। पुलिस और प्रशासन का जिस तरह से नोटिस जारी हुए और अधिकारियों का कहना यह है कि लगभग 13,00,000 रुपए से ज़्यादा का खर्चा उस फोर्स पर हो रहा है जो इस प्रदर्शन की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारा हिसाब उन्हें पिछला अपना भी देना पड़ेगा, उन्हें अपने भी हिसाब देना पड़ेगा। पिछले टाइम में जो उन्होंने मिसाल के तौर पे बुलंदशहर में झगड़ा हुआ था उन्होंने किससे क्या जुर्माना लिया अपने लोगों से, जो बजरंग दल के लोग थे और लोग थे उनके बीजेपी के लोग थे। हमारे पास भी अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है और हमारा संविधान हमें उम्मीद है कि वो हमें पूरी मदद देगा और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है। कब तक चलेगा आप लोगों का ये प्रदर्शन? ये जब तक चलेगा जब तक शाहीन बाग से अमित शाह जी की बातचीत नहीं हो जाती है। और कल परसों उन्होंने कहा है कि साहब मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, 3 दिन के लिए कोई भी आपको बात करनी है कोई मीटिंग तय करनी हो कर लीजिएगा, तो ये शाहीन बाग वाले करेंगे। शाहीन बाग की बहन हमारी, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो भाई, वो हमारे भाई हैं, वो आ जाएं और हमसे बातचीत करें, आना यहीं पड़ेगा आपको शाहीन बाग ही। डरना नहीं है इस बार, तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात मौजूद की है। मुझसे 100 साल की कौशल दी कह रही है, कौशल दादी जो यहाँ बैठी है वो मुझसे कह रही है कि बेटा हम नहीं डरेंगे। उस दिन शाहीन बाग में मैं था जिस दिन एक नाबालिग जो है कहने के लिए नाबालिग कट्टा लेकर के आया था, गोली चला रहा था, जब चैनल वालों ने दादी
भाई कोई आया है कट्टा लेकर के मार रहे हैं, आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा उससे कह दो आए, मेरा सीना खुला है, गोली मार देंगी, आप बैठे हैं यहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन बस इतनी आपसे गुजारिश है मुरादाबाद वालों, मैंने कहा ना कि अपने हाथों में रत्ती भर भी एक कंकर मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना। मौलाना आजाद साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने अपनी फौज लगा रखी थी, पुलिस लगा रखी थी, ये कह दिया था कि यहां से हिंदुस्तानी आगे नहीं जा सकते। मौलाना आजाद ने अपने पांच साथियों से कहा कि उठो और आगे बढ़ो, वो पांचों आगे बढ़े, अंग्रेज पुलिस ने इतनी लाठियां मारी कि उन्हें जमीन पर लिटा दिया मार मार के। जितने आंदोलनकारी बैठे थे वो सब देखते रहे, चाहते तो उठ करके पुलिस से लड़ सकते थे, लेकिन उन आंदोलनकारियों ने उफ नहीं किया। जब वो पांचों जमीन में लेट गए तो मौलाना आजाद ने फिर पांच से कहा कि उठो आगे बढ़ो, फिर पांच लोग आगे बढ़े, ये सिलसिला चलता रहा। एक लंदन का बड़ा ऑफिसर जो है पुलिस का, वो ये मंजर देख रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने पुलिस के डंडे पकड़ लिए और कहा नहीं। इधर जो साथी मेरे भाई, इधर देखिए, उधर क्यों देख रहे हैं? अगर इतना भी आप संयमित नहीं हो पाएंगे, इतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इस लंबी लड़ाई को कैसे लड़ पाओगे? मेरे भाई तुम सबको लड़ना पड़ेगा, जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं है, अरे तुम तो सब्र से काम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।